69 शिक्षक भर्ती को देखते हुए एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग और बहुत सारे यूट्यूबर उसे बता रहे हैं, जबकि मेरे द्वारा एडिटेड बताया जा रहा है। मैं उसी बात को पहले सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि यह जो मैं पोस्ट है वो पूरी तरह से फेक है। मैं इसे बता रहा हूँ, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, फिर अपना ज्ञान हमें दीजिएगा। पहली बात, मैंने इस पोस्ट में लिखा है क्या क्या, उस बात को ध्यान दीजिएगा कि अभी तक ऑफिशियल जो इसका परिणाम है या इसका कोई डेटा है पीएनपी के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ। बेशक आंकड़े सही हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने आंकड़े बताए हैं, इसलिए आंकड़े तो सही हो सकते हैं, लेकिन किंतु जो ये ऑफिशियल बताया जा रहा है कि यह जो पीएनपी द्वारा जारी किया गया वह पूरी तरह से गलत और फर्जी है। क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल जारी होता है तो यहाँ पे पत्रांक संख्या होता है जिसको पूरी तरह से एडिट किया गया है, फिर यहाँ पे दिनांक होता है। उन दोनों चीज़ों को एडिट करके इस पोस्ट को अन्य दो पोस्ट मिलाकर इसे तैयार करके ऑफिशियल बताया जा रहा है, जबकि ये पीएनपी द्वारा ऑफिशियल नहीं है। इस बात को मैं जिसे समझाने के लिए कई बार आप लोग को बताना पड़ा। आइए मैं आपको और उदाहरण देकर समझाता हूँ ये कैसे एडिट हुआ होगा। पहले तो देखिए, ये विज्ञापन है, ये कब का है, ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारी जो उत्तर कुंजी, संशोधित उत्तर कुंजी आई है उसका ये विज्ञापन जो पीएनपी द्वारा मिलता है वही चीज़ यहाँ पे नीचे होता है। यहाँ पे देखिएगा, पत्रांक संख्या है और यहाँ पे दिनांक है। इसी चीज़ को, इसी तरह जो पिछला पोस्ट था उसी को एडिट करके वहाँ पे पोस्ट किया गया, जबकि वहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे वो चीज़ पत्रांक संख्या और दिनांक दोनों गायब है। कहाँ पे? मैंने जो दिखाया आपको यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये पत्रांक संख्या और दिनांक दोनों को इरेज कर दिया गया है, जिससे आपको स्पष्ट हुआ कि ये पूरी तरह से एडिटेड है, माने यह ऑफिशियल न्यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, मतलब आगे टॉपिक के लिए। तो आप लोग कहेंगे सर ये डेटा तो बेसिक शिक्षा मंत्री बताए। मैंने कहा मैं इन आंकड़ों को नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पोस्ट को कह रहा हूँ जो लोग इसे ऑफिशियल बता रहे हैं। हुआ क्या होगा, देखिए ये है 2018 का सहायक अध्यापक, जो सहायक अध्यापक परीक्षा हुई थी उसका ये विज्ञापन है। जब उस समय जारी हुआ था तो इस तरह से पीएनपी के द्वारा जारी होता है, और वहाँ पे देखिएगा पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या, सम्मिलित और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या इस तरह से दिया गया। उस समय सुप्ता सिंह जी थी, तो ये ऑफिशियल है, ये ऑथेंटिक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पत्रांक संख्या मिलेगा और दिनांक मिलेगा, जबकि जो से जो पोस्ट को मैंने डाला है, जिसको मैंने बताया है कि यह फेक है, यह एडिटेड है, तो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं शिक्षा मंत्री ने बयान दिया। मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पोस्ट की बात कर रहा हूँ कि जिस पोस्ट को आप ऑफिशियल बता रहे हैं वास्तव में वो पोस्ट ऑफिशियल नहीं है, वो पोस्ट एडिटेड है। लेकिन आप लोग बार बार नहीं देखिए उसमें क्या किया गया, उस पोस्ट में इतनी चीज़ें कहीं से कॉपी की गई हैं, ठीक है। उसके बाद और जो ये चीज़ है, ये आपका शायद अब दिख रहा होगा, इतना चीज़ें जो ये आधा है, ये आधा हिस्सा यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक तरफ का होगा। इन दोनों को मिलाकर पोस्ट को तैयार किया गया है, मैंने एक ये पोस्ट जो अब सबसे पहले वायरल हुई थी और इस पोस्ट को और एक इस पोस्ट को, इस तरह के जो पोस्ट हैं उन दोनों को दो तरह से मिलाकर, चाहे उसकी जो साइन कहेंगे सर साइन कहाँ से मिली, तो साइन देखिए यहाँ पे मिल गई, ये साइन जो सचिव की देख रहे हैं, इन दोनों को मिलाने के बाद तब जाकर पोस्ट को तैयार किया गया। इस प्रकार ये पोस्ट पूरी तरह से एडिटेड है। मैंने आंकड़े के लिए साफ साफ इसमें लिखा है कि जो ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है, ऑफिशियल का इंतजार होगा, आंकड़े बेशक सही हो, क्योंकि आंकड़े इसलिए सही हो सकते हैं क्योंकि जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है, इसलिए मैं ये मान सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में चल रहा है। तो मैं आंकड़े के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं कि आंकड़े सही या गलत है। मैंने कहा जिस पोस्ट को लोग ऑफिशियल बता रहे हैं वह वा पोस्ट वास्तव में ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल आता है वह मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से आता है, इस तरह से विज्ञापन बनती है, विज्ञापन बनने के बाद पूरे इस तरह से पोस्ट होकर, यह है पीएनपी के विज्ञापन का प्रारूप जो संशोधित उत्तर कुंजी के समय आता, ऐसा ही 69,000 के रिजल्ट के परिणाम का भी विज्ञापन होगा जो अभी जारी नहीं हुआ होगा, वो जैसे जारी होगा उसके बाद फिर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक। दूसरी बातें कुछ लोग कहेंगे सर सतीश सर ने भी बता दिया, जी हाँ मैंने वहाँ पे इस बात को भी मेंशन किया है कि सतीश जी ने बताया, मेरा उस बात से कोई ताल्लुकात नहीं, जो मैं कहना चाह रहा था वो मेरी बात से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि 68,000 सहायक अध्यापक रोजगार मिलेगा और फिर कौन कौन कितने पास हुए हैं, तो यहाँ पर मैं उस पास फेल की बात नहीं कर रहा हूँ जो शिक्षा मंत्री जी ने बताया है। मैंने क्या कहा, मेरा बात यह था कि वो पोस्ट एडिटेड था, वो पोस्ट एडिटेड है और ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है। अगर आपको बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो आप सभी भावी अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अभी तक ये नहीं जान पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो ऑफिशियल है या नहीं है। तो ऑफिशियल अभी नहीं जारी हुई है, ऑफिशियल जब आएगा तो हो सकता है आंकड़े सेम हो, लेकिन पोस्ट जो है ये ऑफिशियल नहीं है। और इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप जुड़ सकते हैं, लेकिन आप सभी के लिए हित के लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर
सर्च कर ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। दूसरी और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साथी फेसबुक पे हैं तो फेसबुक में जिला आवंटन में उनको समस्या ना हो, इसलिए मैंने उनके लिए प्रत्येक जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन से लेकर जिला आवंटन। ये फेसबुक मैंने ग्रुप बनाया है और फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी बी दुर्गेश, ट्विटर इलेनी बी दुर्गेश, अन्य सभी जगह आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जैसे ही ऑफिशियल विज्ञप्ति 69,000 के परिणाम का आता है मैं आपको अपने फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर सबसे पहले मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। और उसके बाद कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ उसके बाद जब भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आएगा तब होगा। तीसरा प्रश्न ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग का जो मामला बार बार आ रहा है सामने, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जनरल के सीट हैं वो 50% होते हैं और ओबीसी 27% होते हैं, तो जो 27% को ओबीसी या अन्य कैटेगरी जो जनरल में जाएंगे तो जनरल का सीट होगा। ऐसा पीछे अभी तक जो इतिहास रहा है बेसिक शिक्षा का अभी तक यही रहा है, इसलिए अभी भी नियम यही रहेगा। इसलिए जो ओबीसी के या जनरल के अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे तो भी ये जानते रहे, मैंने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि 50% जो जनरल की सीट है और ओबीसी संख्या जिसकी ज़्यादा हो 27% में, तो जो जिनके अंक ज़्यादा होंगे गुणांक जनरल में तो जनरल में जाएंगे और जो ओबीसी में रह जाए बाकी जो बच्चे रहेंगे वो 27% में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बातें भी समझ में आ गई हो आपको। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा मतलब यही है कि सतीश द्विवेदी जी सर ने जो आंकड़े बताए हैं वे सही है, जो ये सभी आंकड़े न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं ये सभी आंकड़े सही हैं, किंतु जिस पोस्ट को ऑफिशियल पोस्ट बताया जा रहा है कि ये पीएनपी ने ऑफिशियल जारी किया है, तो वही बात मैं बार बार कहूँगा, ये पोस्ट जो यहाँ पर ये दिख रहा है ये पूरी तरीके से जो यहाँ पे आपके सामने ये पोस्ट दिखाई दे रहा है जिस बात का मैं बार बार खंडन कर रहा हूँ, यह जिसे ऑफिशियल बताया जा रहा है वह ऑफिशियल ना होकर एडिटेड पोस्ट है, वह एक फेक पोस्ट है, क्योंकि जो विज्ञप्ति आती है वहाँ पे उनका पत्रांक संख्या और दिनांक होता है, ये दोनों चीज़ें कहीं से एडिट करके लाकर यहाँ पे ऐड की गई हैं। तो उम्मीद करते हूँ आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, बहुत साथी अभी भी भ्रम जाल में फंसे हुए हैं तो उन्हें भ्रम जाल से बाहर निकलेगा, मैंने सभी आपको बता दिया। और जो विज्ञप्ति आएगी वह इस तरह से होगी जैसे 68,500 में यहाँ पे आई थी, ठीक है, पीडीएफ बनाने में कट गया, इसी तरह पीडीएफ जो बना है 68,500 का था इसी तरह 69,000 का भी आएगा। बाकी ये सभी आंकड़े, क्योंकि ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं यही पोस्ट को एडिट किया गया जो आपके सामने दिख रहा है, जो सबसे पहले वायरल हुई थी, जो R9 न्यूज़ का बताया जा रहा था, तो ये आंकड़े सही हो सकते हैं जब तक पीएनपी के नहीं आएगा, तो इस बात पे भी प्रश्न लगा। लेकिन बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक, और कोई प्रश्न कोई सुझाव हो तो आप जरूर दीजिएगा, बात को समझा करिए, पोस्ट को पूरा पढ़ा करिए, ऊपर देने के बाद कोई प्रतिक्रिया मत दिया करिए। बहुत सारे लोग भावी अध्यापक हैं लेकिन इन पदों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, और सभी को बधाई जो भी इस 69,000 भर्ती प्रक्रिया में चयनित होकर जाएंगे, उन सभी को इलानी दुर्गेश तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।